नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज प्रोजेक्ट में डालें, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बेहद खूबसूरत है। इसे बनाने के लिए हमें फंदों का कोई टेंशन नहीं है, हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। और डिजाइन सामने की तरफ से पड़ता है, तो फंदे अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से, तो हम अपने सेकेंडरी कलर का आपको अटैच कर लेंगे। फिर सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है। एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। तो एक फंदे को सीधा बुनते हुए, अगले फंदे को स्लिप करते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम डिज़ाइन के दूसरे लाइन पे हैं और ये रॉन्ग साइड है, तो हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। बुने हुए फंदे और स्लिप किए हुए फंदे, सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो अब हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, हमने पहली लाइन में इस फंदे को बुना था, तो अब की हम इस फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को देखिए स्लिप किया था, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें दोहराना है। देखिए, अब ये फंदा बुना हुआ है, तो इसे हमें स्लिप करना है, और देखिए ये फंदा स्लिप किया हुआ है, तो इसे हमें बुनना है। यानी तीसरा लाइन पहले लाइन के अपोजिट होगा। जिस फंदे को स्लिप किया गया है उसे हमें सीधा बुनना है, और जिस फंदे को बुना गया था पहली लाइन में उसे हमें स्लिप करना है। तो एक फंदा स्लिप करते हुए, अगले फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई। अब ये हमारा फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड। तो सभी फंदे, बुने हुए फंदे और स्लिप किए हुए फंदे, सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं चार लाइनों को हमें पूरे प्रोजेक्ट में दोहराना है। फिर से देख लीजिए, अब हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा, अगले फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए, ये फंदा हमारा स्लिप किया गया फंदा था, तो इसे हम सीधा बुनेंगे, और ये फंदा बुना हुआ फंदा था, तो इसे स्लिप करेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा।
बनाने में आसान और बहुत ही खूबसूरत। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। तो डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।